आज के हमारे चैप्टर का नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स क्या क्या होती हैं हमारी? वेयर डिड यू गो ड्यूरिंग योर लास्ट समर वेकेशन? आप अपनी लास्ट समर वेकेशंस में कहाँ गए थे? वॉज द सरफेस डिफरेंट फ्राम द प्लेस यू लिव इन? क्या वो जो जगह थी वो उस जगह से अलग थी जहाँ पर आप रहते हो? द सरफेस ऑफ द अर्थ वेरीज फ्राम वन प्लेस टू अनदर। अब जो अर्थ का सरफेस होता है वो हमारा हर जगह अलग अलग होता है, यानी कि कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे प्लेन रीजन होता है, कहीं पर स्नो होती है, कहीं पर जैसे रेगिस्तान होता है जहाँ पर हमारे सैंड होते हैं। सम पार्ट्स आर फ्लैट एंड लेवल वाइल अदर आर रेज्ड। कुछ पार्ट जो होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट यानी कि एकदम चपटा होता है और एक लेवल में होता है। वाइल अदर्स आर रेज्ड, बाकी कुछ उभरे हुए होते हैं जैसे कि पहाड़ हो गया, ठीक है। लैंड फॉर्म्स आर नेचुरल फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप। अब जो लैंड फॉर्म है वो हमारा नेचुरल फीचर होते हैं लैंडस्केप का। द मेन लैंड फॉर्म्स आर, अब मेन लैंड फॉर्म्स कौन कौन सी हैं हमारी? माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड रिवर्स। तो ये सारे हमारे मेन लैंड फॉर्म्स हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है माउंटेन। अ माउंटेन इज़ द नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज़ कंसिडरेबली मोर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग एरिया। अब जो हमारा माउंटेन होता है वो हमारा एक नेचुरल एलिवेशन, एलिवेशन यानी कि उभरी हुई चीज़ है। अब जो माउंटेन है वो होता है वो हमारा लैंड से ऊपर होता है ना, वो पहाड़ जो होता है हमारा उसकी शेप तो हमने देखी है वो कैसे उठा हुआ होता है, तो वो बहुत ही एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है हमारा जो नेचुरली बना गया है। अ माउंटेन इज़ अ लैंड फॉर्म दैट राइजेज एट लीस्ट 1000 feet और मोर अबव इट सराउंडिंग एरिया। अब सराउंडिंग एरिया यानी कि अपने आसपास के एरिया से कम 1000 feet की ऊंचाई पर होता है। माउंटेन्स कवर अबाउट 20% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। अब जो माउंटेन्स है वो हमारा अर्थ का टोटल 20% जगह को घेरते हैं यानी कि ऑक्यूपाई करते हैं। अ माउंटेन मे बी नैरो एट टॉप एंड ब्रॉड एट द बेस। अब जो माउंटेन है वो हमारा नैरो होता है टॉप पर यानी कि ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है ना, नैरो मतलब कि पतला हो जाना, एंड ब्रॉड एट द बेस और नीचे की तरफ आते आते चौड़ा हो जाता है। दे यूजली हैव स्टीप स्लोपिंग साइड्स एंड शार्प और राउंडेड एजेस। अब जो हमारा माउंटेन होता है वो उसकी जो स्लाइड मतलब कि स्लोपिंग स्लाइड होती है यानी कि जिससे स्लोपिंग मतलब कि जिससे चीज़ें फिसलती हुई नीचे आती है, स्लाइड की तरह ढलान की तरह होता है, बहुत ही नुकीला होता है और उसके जो रिजेज होते हैं वो राउंड होते हैं और स्टीप यानी कि बिल्कुल सीधी ढलान जैसा। द हाइएस्ट पॉइंट इज़ कॉल्ड द पीक और समिट। और उसका जो सबसे ऊपर की चोटी होती है उसको हम पीक बोलते हैं या समिट बोलते हैं। माउंटेन पीक्स आर मोस्टली कॉनिकल इन शेप। अब जो माउंटेन की जो पीक होती है यानी कि जो चोटी होती है वो ज़्यादातर हमारी कॉनिकल होती है। कोन देखा है हमने कैसे वो ऊपर से एकदम शार्प होता है, उस तरीके की होती है। द हाइट एंड शेप ऑफ माउंटेन्स डिपेंड ऑन देयर एज। अब जो माउंटेन की हाइट होती है और उनकी जो शेप होती है वो उनकी एज पर डिपेंड करती है कि वो कोई कौन सा माउंटेन कितना पुराना है या कितना नया है। द हिमालयाज एंड द एल्प्स आर यंग माउंटेन्स। अब जो हिमालयाज और जो एल्प्स हैं वो हमारे यंग यानी कि अभी नए नए माउंटेन्स हैं। दे आर हाई एंड हैव कॉनिकल पीक्स। वो बहुत ही ऊँचे हैं और उनकी पीक्स जो हैं कॉनिकल यानी कि कोन के आकार की है, बहुत ही शार्प है। द अरावलीज एंड द एपेल्शियंस आर वेरी ओल्ड माउंटेन्स। अब जो अरावली और एपेल्शियन है ये हमारे बहुत पुराने माउंटेन्स हैं। Therefore, they are low and have rounded peak. इसलिए वो थोड़े से छोटे हैं यानी ऊँचाई में थोड़े कम हैं और उनकी जो पीक है यानी कि चोटी है वो थोड़ी राउंडेड है, उतनी नुकीली नहीं है। A mountain range is a series or chain of mountains that are close together. अब जो माउंटेन रेंज होता है वो होता है जहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ इकट्ठे होते हैं यानी कि बेसिकली एक ही एरिया में हमें माउंटेन्स मोस्टली देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक माउंटेन एक जगह है फिर थोड़ी दूर जाके दूसरा माउंटेन है, नहीं, वो मोस्टली एक ही जगह और बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं। दे मे एक्सटेंड
फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, और वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक भी फैले हुए होते हैं। द हिमालयाज इन इंडिया, द एंड्स इन साउथ अमेरिका एंड द रॉकीज़ इन द नॉर्थ अमेरिका आर द एग्ज़ाम्पल्स। अब इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? हिमालयाज जो इंडिया में है, रॉकीज़ जो नॉर्थ अमेरिका में है, और जो एंडेस साउथ अमेरिका में, ये हमारा एग्ज़ाम्पल है माउंटेन्स का। वी नो दैट टेम्परेचर रिड्यूसेस विद इंक्रीज इन दी ऑल्टीट्यूड। अब हमें ये पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाइयों पर जाते हैं, हमारा जो टेम्परेचर है उतना कम होता रहता है। एल्टीट्यूड यानी कि बेसिकली हाइट पर जितना हम जाते हैं। ड्यू टू दिस वेरी हाई माउंटेन्स आर यूजली कवर्ड विद स्नो। और इसकी वजह से जो हमारे बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, वहाँ पर स्नो होती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। अब आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, यानी कि हमारे माउंटेन्स कैसे हमारे लिए ज़रूरी हैं। माउंटेन्स हैव अ थिन सॉइल कवर एंड स्टीप स्लोप्स, सो लेस अमाउंट ऑफ लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग ऑन माउंटेन्स। अब जो हमारे माउंटेन्स हैं, उनके अंदर बहुत ही कम सॉइल होता है, और उनकी जो स्लोप्स होती है वो बिल्कुल स्टीप होती है, यानी कि बिल्कुल ढलान वाली होती है। तो इसलिए वहाँ पर लैंड ही नहीं होता कि जहाँ पर हम फार्मिंग कर पाएँ। दिस इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू बिल्ड हाउसेज ऑन स्टीप स्लोप्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम ऐसी जगह पर घर भी नहीं बना सकते। हैंस लेस नंबर ऑफ पीपल लिव्स ऑन द माउंटेन्स। इसलिए जो माउंटेन्स हैं, यानी कि जो हिली एरियाज, हिली तो नहीं, मतलब जो माउंटेन वाला रीजन हो गया, वहाँ पर लोग कम रहते हैं। डिस्पाइट दिस माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल टू अस। अब इसके अलावा जो माउंटेन्स हैं हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं? माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर टू रेन बियरिंग क्लाउड एंड कॉज रेनफॉल। अब जो माउंटेन है वो एक बैरियर की तरह हमारा एक्ट करते हैं, जिससे जो हमारे बादल होते हैं जो पानी लेकर आते हैं उनके बीच में, और फिर वो रेनफॉल करवाते हैं। माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स। अब जो माउंटेन है वो हमारी कोल्ड और हॉट विंड के बीच में भी एक बैरियर की तरह काम करता है। रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। अब जो रिवर होती है, जहाँ से माउंटेन जो माउंटेन से ओरिजिनेट हो रही होती है, यानी कि माउंटेन से जो रिवर निकल रही होती है, वो हमारे हमें पानी प्रोवाइड करता है इरिगेशन के लिए, यानी कि खेतों में पानी देने के लिए और बाकी नॉर्मल यूजेस के लिए भी। माउंटेन्स आर ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शंस बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सीनिक स्पॉट। अब जो माउंटेन्स हैं वो हमारे टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन का पॉइंट है, क्योंकि वहाँ के जो व्यू होता है बहुत ही अच्छा होता है। सीनिक स्पॉट्स यानी कि वहाँ की जो सीनरी होती है वो बहुत अच्छी होती है, देखने लायक होती है, तो वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। माउंटेन्स आर कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड सो प्रोवाइड मैनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक वुड, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स, हनी। अब जो माउंटेन होते हैं वो हमारा फॉरेस्ट से कवर्ड होते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं, जैसे कि लकड़ियाँ हो गई, हर्ब्स हो गए यानी कि छोटे छोटे पौधे हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि जिनसे हम ट्रीटमेंट कर सकें, और हनी। नेक्स्ट आता है प्लैट्यूज। अ प्लैट्यू इज़ अ फ्लैट एंड एलिवेटेड लैंड। इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक अ माउंटेन दैट हैज़ बीन कट फ्रॉम वन साइड टू अदर नियर द टॉप। अब जो प्लैट्यू है वो हमारा बिल्कुल चपटा सरफेस होता है और थोड़ा सा एलिवेटेड होता है, यानी कि थोड़ा सा उठा हुआ होता है। इट लुक्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ माउंटेन, और वो पहाड़ की तरह ही दिखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हमने उसको एक साइड से कट कर रखा हो। बिकॉज ऑफ दिस शेप अ प्लैट्यू इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, और इसकी शेप की वजह से हम उसे टेबल लैंड भी कहते हैं। द हाइट ऑफ द प्लैट्यू कैन बी फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। अब जो हमारी प्लैट्यू की हाइट है वो हमारी कुछ हंड्रेड मीटर से लेकर सेवरल थाउजेंड मीटर्स तक हो सकती है। सम प्लैट्यूज आर वेरी लार्ज एंड एक्सटेंड ओवर हंड्रेड ऑफ किलोमीटर। अब कुछ प्लैट्यूज जो होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं और वो हंड्रेड ऑफ किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं। द डेक्कन प्लैट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लैट्यूज इन द वर्ल्ड। अब जो डेक्कन प्लैट्यू है हमारा इंडिया के अंदर, वो हमारा सबसे पुराना प्लैट्यू है वर्ल्ड के अंदर। सम अदर प्लैट्यूज आर द कोलोराडो प्लैट्यू इन नॉर्थ अमेरिका एंड द बोलीवियन प्लैट्यू इन साउथ अमेरिका। अगर कुछ हमारे और प्लैट्यूज हैं, जैसे कि हमारे कोलोराडो प्लैट्यू है नॉर्थ अमेरिका में और बोलीवियन प्लैट्यू है साउथ अमेरिका में।
मैनी प्लेट्यूज हैव डीप कैनियंस ऑन देयर सरफेस। अब जो हमारे बहुत अलग अलग जो प्लेट्यूज होते हैं उनके बहुत गहरे गहरे कैनियंस होते हैं सरफेस पे, कैनियंस होते हैं जो हमारी बहुत गहरी गहरी घाटियाँ होती हैं। प्लेट्यू इज़ एन एग्जाम्पल, सॉरी, द ग्रैंड कैनियन इन द कोलोराडो प्लेट्यू इज़ एन एग्जाम्पल। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा ग्रैंड कैनियन प्लेट्यू एग्जाम्पल है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज़ क्या होती है हमारी, प्लेट्यूज़ आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। अब जो प्लेट्यूज़ हैं वहाँ पे बहुत तरीके के मिनरल डिपॉजिट होते हैं, वो उसके अंदर रिच होता है। मैनी माइनिंग बेल्ट इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज। अब बहुत सारे माइनिंग बेल्ट यानी कि जहाँ से हमें मिनरल्स वगैरह मिल सके वर्ल्ड में, वो काफ़ी प्लेट्यू एरिया के अंदर लोकेटेड हैं। मोस्ट ऑफ द माइनिंग एरियाज इन इंडिया आर इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। अब हमारे जो बाकी के माइनिंग एरियाज होते हैं, माइनिंग एरियाज वो होते हैं जहाँ से हमें कोई मिनरल मिला जाता है, जहाँ से कोई हमें नेचुरल मिनरल मिला जाता है, तो वो हमारी कहाँ पर है इंडिया के अंदर, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर माइंस ऑफ गोल्ड एंड डायमंड। अब जो अफ्रीकन प्लेट्यू है वो किस लिए फेमस है हमारा, सोने की और डायमंड की खदान के लिए। मैनी वाटरफॉल्स आर प्रेजेंट इन प्लेट्यू एरियाज। अब जो प्लेट्यू एरियाज है वहाँ पर काफ़ी सारी वाटरफॉल्स भी प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉग फॉल्स इन कर्नाटका, जैसे कि जॉग फॉल्स है हमारी कर्नाटका में। प्लेट्यूज हैव ग्रास लैंड ऑन विच कैटल एंड शीप आर रियर्ड। अब जो प्लेट्यूज होती हैं उन पे ग्रास लैंड होते हैं जहाँ पर हम लोग अपनी कैटल को और शीप को मतलब कि लेके जाते हैं चारा खिलाने के लिए। द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल। और जो लावा प्लेट्यूज होती है वहाँ पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ब्लैक सॉइल इज़ फर्टाइल एंड इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन। अब जो ब्लैक सॉइल है वो हमारा बहुत ही अच्छा सॉइल होता है, काफ़ी फर्टाइल होता है, उपजाऊ सॉइल होता है, जिस पे हम कल्टीवेशन यानी कि क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। प्लेट्यू एरियाज आर ऑल्सो ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सीनिक स्पॉट। जो प्लेट्यू एरियाज होते हैं वो हमारे टूरिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा स्पॉट है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे सीनिक स्पॉट्स होते हैं। सीनिक यानी कि अच्छे स्पॉट्स, सीनरी जैसे स्पॉट्स होते हैं, वहाँ की सीनरी काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेन्स। अ प्लेन इज़ अ फ्लैट एंड लो लाइंग लैंड सरफेस एंड आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव मीन सी लेवल। अब जो प्लेन है वो हमारा एकदम चपटा और एक लो लाइंग लैंड सरफेस होता है, यानी कि वो ऊंचा नहीं होता, वो प्लेन रहता है और सपाट रहता है, और वो ज़्यादातर सॉरी और वो सी लेवल से 200 मीटर अबव ही पाया जाता है, इससे हाई नहीं होता। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड, जिनको हम लो लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हाइट इतनी है ही नहीं, वो सी लेवल से खाली 200 मीटर के अबव पर है। प्लेन्स आर यूजली फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड स्लिट बाय द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, हमारी जो प्लेन सरफेस है वो कैसे फॉर्म हुआ है, किसकी डिपोजिशन से, सैंड की डिपोजिशन से और सिल्ट की जो डिपोजिशन होती है, जो हमारा रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज लेकर आती हैं अपने साथ। व्हेन द रिवर्स स्लो डाउन दीज मटीरियल्स आर डिपॉजिटेड ऑन देयर बैंक। अब जैसे जैसे हमारी जो रिवर्स का जो बहाव होता है वो धीरा हो जाता है, तो ये जो क्या होता है एक जगह पर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि रिवर के किनारे इकट्ठा होने शुरू हो जाता है उसका जो सैंड और सिल्ट यानी कि जो मिट्टी होती है। प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन प्लेन्स डिपो सॉरी फॉर्म बाय डिपॉजिट। अब जो प्लेन है वो हमारा इन सब के डिपॉजिट से बना जाता है। प्लेन्स नियर द सी कोस्ट आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। अब जो हमारा सी कोस्ट यानी कि सी रीजन के पास जो प्लेन्स आते हैं उनको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स, प्लेन्स आर यूजली हाईली फर्टाइल एंड हैंस मोस्ट आइडियल फॉर कल्टिवेशन। अब जो प्लेन्स है वो हमारे बहुत फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं, और वो काफ़ी अच्छे होते हैं हमारे क्रॉप्स को उगाने के लिए, कल्टीवेशन के लिए। मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन केम अप द बैंक्स ऑफ रिवर ऑन द प्लेन्स। अब जो हमारी पुरानी सिविलाइजेशन यानी कि एंशियंट सिविलाइजेशन थी वो हमारी मोस्टली रिवर बैंक सॉरी रिवर के किनारे पर ही प्रेजेंट थी।
इट इज़ वेरी इजी टू मेक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन द प्लेन्स, और ये काफ़ी आसान होता है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाया जाए, क्योंकि एरिया प्लेन है तो वहाँ पर कोई भी हम लोग व्हीकल या किसी और चीज़ के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। ड्यू टू अबव मेंशनड फैक्टर्स प्लेन्स आर द बेस्ट एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन एंड मोस्ट ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर इन द प्लेन्स। अब बाकी ये जो हमने इम्पॉर्टेंट फैक्टर अभी प्लेन्स के डिस्कस करे, तो इसकी वजह से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर हमारी प्लेन एरियाज़ में ही पाई जाती है या वो वहीं पर ही रहते हैं, और हमारी वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर हमारी प्लेन रीजन में ही रहती है। द इंडो जेंजेटिक प्लेन्स इन इंडिया इज़ अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। अब जो हमारा इंडो जेंजेटिक प्लेन्स होता है इंडिया का, वो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं इस रीजन में। नेक्स्ट आता है डेजर्ट्स। डेजर्ट्स आर द सैंडी लैंड एरियाज दैट रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल। अब डेजर्ट हमारा रेतीला एरिया होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड पाई जाती है, रेत पाया जाता है, और वहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है। दीज एरियाज रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल। दीज एरियाज हैव अ एरिड ऑफ सेमी एरिड क्लाइमेट। अब यहाँ पर यहाँ का जो क्लाइमेट है कैसा है, सेमी एरिड क्लाइमेट है। दीज एरियाज हैव अ एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट। अब एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट क्या होता है, एरिड यानी कि जहाँ पर इतनी कम रेनफॉल होती है कि वहाँ पर लोगों का रहना और जानवरों का रहना भी मुश्किल होता है, यानी कि वहाँ पर प्लांट्स तक ग्रो नहीं करते, और सेमी एरिड क्लाइमेट होता है कि वहाँ पर रेनफॉल तो होती है पर एक पर्टिकुलर अमाउंट से, यानी कि प्रेसिपिटेशन जो रेट होता है उसके अमाउंट से कम होती है, पर एरिड एरिया के जितनी नहीं होती, यानी कि उतनी भी कम नहीं होती कि सर्वाइवल ना ही हो पाए। डेजर्ट्स हैव बेयर सॉइल। अब वहाँ पे बेयर सॉइल है, लो वेजिटेशन कवर है। बेयर सॉइल यानी कि वहाँ पे एकदम बंजर सॉइल है। लो वेजिटेशन कवर यानी कि वहाँ पर काफ़ी कम वेजिटेशन हो सकती है, कम चीज़ें उगाई जा सकती हैं। वेरी हॉट डेज़ एंड कोल्ड नाइट्स, और काफ़ी गर्म दिन होते हैं और ठंडी नाइट होती हैं। फ्रीक्वेंट डस्ट स्टॉर्म्स। डस्ट स्टॉर्म यानी कि वहाँ पे आंधी सी चलती है रेत की, डस्ट की। द सहारा डेजर्ट एंड द कालाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका, द ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, द थार डेजर्ट एंड द अरेबियन डेजर्ट इन एशिया, द एटाकामा डेजर्ट एंड पेटागोनियन डेजर्ट इन साउथ अमेरिका आर द मेजर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो हमने जितने भी नाम पढ़े हैं ये सारे हमारे मेजर यानी कि बड़े बड़े डेजर्ट हैं वर्ल्ड के। नेक्स्ट आता है हमारा रिवर्स। रिवर्स आर द नेचुरल चैनल्स ऑफ फ्रेश वाटर। अब रिवर्स से हमें बिल्कुल ताज़ा फ्रेश पानी मिलता है। दीज चैनल स्टार्ट एज स्ट्रीम्स एंड जॉइन टूगेदर टू फॉर्म अ रिवर। अब ये क्या होता है, स्ट्रीम्स की तरह आती हैं, यानी कि ये रिवर नहीं होती पहले से, ये हर जगह से थोड़ा थोड़ा पानी आता है और इकट्ठा मिलकर एक रिवर बनाता है। दे कैरी रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम मेल्टेड आइस एंड स्नो फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन्स बिफोर फाइनली मर्जिंग इन टू अ लेक, अनदर रिवर, सी और ओशन। अब जो हमारा रिवर होता है ये क्या होता है, ये क्या क्या लाता है, ये अपने साथ बारिश का पानी लाता है, और पानी लाता है जहाँ पर से, जैसे कि जो हमारी स्नो पिघलती है, आइस पिघलती है, उसका पानी वो माउंटेन से लेकर आता है प्लेन्स तक, वो भी हमारे लेक या रिवर में मर्ज होने से पहले, यानी कि जो हमारी लेक होती है या रिवर बनती है उसके अंदर बेसिकली हमारा बारिश का पानी होता है, मेल्टेड आइस या मेल्टेड जो स्नो होती है उसका पानी होता है, वो सब मिलकर हमारा रिवर बनाती है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, हमारी माउंटेन से होती हुई आती हैं। फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजन और इट्स माउथ अ रिवर पासिस थ्रू थ्री स्टेजेस। अब क्या है कि हमारी जो रिवर है वो तीन जगह से पास होती हुई आती है। सबसे पहली आती है यंग रिवर द अपर कोर्स। सबसे पहले यंग रिवर आती है, यानी कि ऊपर से कहाँ से आती है, द बिगनिंग ऑफ अ रिवर व्हेन इट फ्लोज क्विकली विद लॉट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ यंग रिवर। जब हमारी रिवर की शुरुआत होती है, जब
पानी बहता है हमारा बहुत सारी एनर्जी यानी कि बहुत तेज़ रफ्तार के साथ, उसको हम बोलते हैं यंग रिवर। द रिवर हेयर इज स्मॉलर एंड यूजुअली हैज़ अ रैपिड टम्बलिंग फ्लो दैट कट्स अ नैरो चैनल। अब ये जो रिवर होती है हमारी यहाँ की थोड़ी छोटी होती है और बहुत ही रैपिड यानी कि बहुत ही फास्ट स्पीड में वो बहती हुई आती है और जो हमारे नैरो चैनल्स को कट करते हुए आती है यानी कि उसका बहाव इतना तेज़ होता है कि वो अपना रास्ता खुद बनाती हुई आती है। एंड कट्स अ नैरो चैनल थ्रू अ रॉकी हिल्स और माउंटेन, और अपना माउंटेन्स और हिल्स में से रास्ता बनाते हुए आती है। सम फीचर्स ऑफ द अपर कोर्स आर कैनियंस, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स। अब इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं अपर कोर्स के, कि वो कैनियंस हो सकते हैं, वाटरफॉल्स हो सकती है और बहुत ही तेज़ होते हैं वो। फॉर एग्ज़ाम्पल रिवर गंगा ओरिजिनेट्स एट गंगोत्री। अब जैसे कि हमारी जो रिवर गंगा है वो कहाँ से शुरू होती है यानी कि उसका बहाव कहाँ से आता है, गंगोत्री से आता है। एंड फ्लोज थ्रू द माउंटेन्स, और माउंटेन से बहते हुए एंटर्स द प्लेन एट ऋषिकेश, और फिर प्लेन रीजन में आकर ऋषिकेश में वो मिल जाती है। नेक्स्ट आता है मिडल एज्ड रिवर द मिडल कोर्स। द मिडल कोर्स ऑफ द रिवर बिगिंस व्हेन इट लीव्स द माउंटेन्स एंड एंटर्स द प्लेन। अब वो माउंट अब सबसे पहले क्या हुआ, वो माउंटेन से शुरू हुई और प्लेन्स में आई। अब मिडल एज उसकी कब स्टार्ट होगी, जब वो हमारा प्लेन्स को रीच कर जाती है। हेयर द वैली वाइडन्स। अब यहाँ आके हमारी जो वैली होती है यानी कि पहले तो वो नैरो होती हुई शुरू हुई, अब वो नीचे आते आते प्लेन में आते आते वो वाइड हो गई यानी कि चौड़ी हो गई। रिवर्स ऑफन मैंडर फॉलो अ वाइंडिंग पाथ अलॉन्ग द मिडल ऑफ द अलॉन्ग देयर मिडल कोर्स। अब वो एक पाथ को फॉलो करते हुए आती हैं। रिवर गंगा फॉर एग्जाम्पल हैज़ अ मेंडरिंग कोर्स बिटवीन इलाहाबाद एंड वाराणसी। अब जो हमारी रिवर गंगा है वो कहाँ पर, हमारी इलाहाबाद और वाराणसी से पहले एक जगह पर मिलती है। मेंडरिंग बेसिकली होता है कि वो कोई पर्टिकुलर रास्ते को फॉलो करते हुए नहीं आ रही, वो अपना रास्ता खुद बनाते हुए आ रही हैं। नेक्स्ट आता है ओल्ड रिवर द लोअर कोर्स। अब जो पुरानी रिवर्स होती हैं, व्हेन द रिवर रीचेज द एंड ऑफ इट्स जर्नी इट इज़ कॉल्ड एन ओल्ड रिवर। जब रिवर अपनी जर्नी के एंड पर पहुंच जाती है तो उसको हम बोलते हैं ओल्ड रिवर। द एंड ऑफ द रिवर इज़ कॉल्ड द माउथ। अब जो हमारे रिवर का एंड होता है उसको हम बोलते हैं माउथ। द रिवर जॉइंस अ बिगर वाटर बॉडी सच एज अ सी। अब जो रिवर है वो अपने से भी बड़ी वाटर बॉडी यानी कि सी को जाके ज्वाइन कर लेती है। इन दिस कोर्स द स्पीड ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो। अब ऐसे नीचे आते आते जो रिवर की स्पीड है बहुत ही धीरे हो जाती है। द रिवर डिपॉजिट्स द सिल्ट इट कैरीज नियर द माउथ। अब जो रिवर क्या करता है, वो अपना जो सिल्ट यानी कि अपने साथ जो भी वो रेत या मिट्टी लेकर आती है वो उसको वहीं पर ही अपने मतलब कि एंड पर आते आते उसको वहीं पर ही छोड़ देती है। फॉर्मिंग अ ट्राइंगुलर शेप्ड कॉल्ड लैंड कॉल्ड डेल्टा। और वहाँ पर एक ट्राइंगुलर शेप्ड लैंड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। तो बेसिकली वो किसका बना हुआ है, हमारी जो रिवर अपने साथ मिट्टी ला रही है, सिल्ट ला रही है। द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स बिफोर दे जॉइन द बे ऑफ बंगाल। अब जो हमारा सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का वो कहाँ पर बनता है, वो कौन बनाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले। के अंदर बेसिकली अब हमारा क्या हुआ, सबसे पहले यंग रिवर थी यानी कि जो भी हमारा पानी था, जो भी हमारा फ्लो था वो सबसे पहले माउंटेन से स्टार्ट हुआ, फिर माउंटेन से पहुँचते पहुँचते वो प्लेन रीजन में आ गया, फिर जैसे ही वो प्लेन रीजन में आया फिर प्लेन रीजन से आगे बढ़ने के लिए वो अपना उसका जो एरिया था वो वाइड हो गया, और उसके बाद वो अपने आप को मेंडर करता रहा यानी कि वो अपना रास्ता बनाते हुए आगे चलता गया। फिर सबसे लास्ट में आते आते जब उसकी जर्नी एंड हुई तो वो आगे जाकर एक ओशन में मिल गया, और ओशन में मिलने से पहले उसने क्या करा, उसका जो भी सिल्ट था, जो भी उसके साथ वो अपनी मिट्टी या जो डिपॉजिट लाया था वो उसको वहीं पर छोड़कर वहाँ पर एक डेल्टा फॉर्म करके आगे ओशन में जाके मिल गया।